उन्होंने हेलो किया चाल मित्र, तो आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज की वीडियो कुछ ऐसी होने वाली है, रोज तो यहीं से रहते हैं। तो कल रात में लगभग 11 बजे के आसपास में एक मेरा दोस्त है, उससे मतलब बातचीत हो रखा था पहले से ही। तो पहले तो हम मंगवाए थे एक पीस फीमेल बोल के जो लड़का मेल दे दिया था, तो उससे तो वापस हम कर दिए वो कबूतर, ठीक है, वो वापस ले लिया। और उसके बाद फिर हम फीमेल के लिए जो लड़का के साथ में गए थे, दोस्ती है मेरा, उसके साथ में गए थे लेने के लिए। तो वो लेने के बाद में जब वापस रिटर्न वगैरह हो गया तो उसके पास भी एक फीमेल था, तो उसने कहा कि मेरे पास है, लेना चाहो तो ले सकते हो और थोड़ा सस्ते में भी हो गया। तो वो कबूतर ले लिए हैं फीमेल, अभी हम आप लोग को दिखाते हैं। अभी केज वगैरह भी नहीं खोले, सब कबूतर सब ऐसे ही अंदर में ही है पैक, देख सकते हैं आप लोग। भाई सिराजी का ये पट्टा है, अगर किसी भाई को चाहिए सामने में दिख रहा है येलो येलो पंजा, भाई बहुत ही बड़ा बड़ा पंजा है। हमको पंजा वाला कबूतर सब बहुत ही पसंद है, मेरे लॉफ्ट में आपको जो भी दिखेगा ज़्यादातर से पंजा वाला ही दिखेगा, ठीक है। और सिराजी, मैं हमको सिराजी का ही शौक है और लखा का, लेकिन खैर लखा तो अभी दो ही पीस है, आने वाला था बट कुछ रीज़न की वजह से मिस हो गया। तो भाई इधर देख रहे हैं हम कि कबूतर का अंडा सब मेरे केज में इधर से उधर बिखरा पड़ा है, पता नहीं किसका है, ये भी चीज़ देख लेते हैं। और उसका दिखाते हैं आप लोग को वो कबूतर, तो यहाँ देख सकते हैं भाई जंगली का अंडा, जो कि एक ऊपर में है यहाँ और एक नीचे में है यहाँ। तो ये भी इसी का होगा क्योंकि इसमें इसका, अरे भाई दो बच्चा था इसका, एक बच्चा किधर गया, यहाँ है, देख सकते हैं भाई, जो कि सेल का है, अगर किसी भाई को चाहिए तो बता सकता है। अरे आजा 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 आजा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, सबको हम पकड़ वगैरह पकड़ते नहीं है ना जल्दी से, इसी की वजह से ये लोग बहुत ही डरता है। ये देख सकते हैं भाई, दोनों को चोटी है, इसको भी चोटी है और उसको सामने वाले को भी चोटी है, और थोड़ा थोड़ा पंजा भी है जैसे माँ को है इसके, ठीक है। तो ये दो बच्चा है जिसमें दोनों को चोटी है, और इसका अंडा यहाँ पर है, इस फीमेल का एक अंडा यहाँ देखिए कितना बड़ा है, रसगुल्ला की तरह। ये देखिए फीमेल है, इसी का बच्चा है, इसको भी चोटी है और मेल को भी चोटी है, ये वाला मेल रहा उसका, ठीक है। तो ये दोनों का बच्चा है ये दोनों, तो अंडा डाल देते हैं भाई, एक अंडा पे बैठी हुई लेके, बापरे बाप बहुत जोर से मार रही है भाई, बापरे, अरे रुको बापरे, बहुत खतरनाक है भाई इसका एक अंडा भाई, अरे फूट जाएगा यार रुको। ये वाला अंडा भाई एकदम छोटा गोल है और ये अंडा एकदम लंबा है, छोड़ो यार बहुत ही मार रही है, फुला दी मेरा नस, देखो नस पे मार के, बहुत ही खतरनाक फीमेल है। तो चलो भाई इसका तो हो गया, यहाँ पे हमारी लाहौरी फीमेल बैठी हुई है। और इस केज में भाई ये वाला सिराजी बार बार जा रहा था, जो कि अंडा देने वाली फीमेल है, तो इसीलिए हम इस केज को बंद कर दिया, मतलब छेद को बंद कर दिया यहाँ से, नहीं तो फिर ये इसी में अंडा देता। और इसका ये बच्चे का ग्रोथ बहुत ही अच्छा हो रहा है, देख सकते हैं, ये हमारा लाहौरी मेल और भी बाकी का बहुत कुछ। तो भाई आज से परपन को फिर से अलग कर देंगे, परपन फीमेल को, परपन फीमेल को हम लगा देंगे भाई इसके साथ पैर, इसका ये पंजा भाई बहुत ही लाजवाब। अरे यार ये पॉटी कर दिया भाई, देखो मेरे हाथ पे, ये देखो बहुत ही गंदा लड़का है। तो ये देखो भाई सिराजी का बच्चा का पंजा, किसी भाई को चाहिए तो कमेंट करना, दोनों सिराजी है इसका बच्चा है, और इसी मेल के साथ में हम इसको लगा देंगे। और इसके लिए फीमेल तो आ ही गई है, दिखाते हैं हम आप लोग को, यार पूरा पॉटी कर दिया हाथ पे। तो हम जो भी कबूतर लाते हैं तभी इसको मास्टर केज में ही बंद करते हैं, सॉरी मिनी केज में, मास्टर केज तो हमारा ये है ब्रीडिंग सेटअप। इसको पहले पोछने दो भाई, तो ये देखिए भाई यही फीमेल हम कल मंगवाए हैं, लेके आया है कल मेरा फ्रेंड, तो उम्मीद करते हैं आप लोग देख के बताना कि कैसा है। इससे पहले वाला तो मेल निकल गया था, लेकिन ये 100% फीमेल है, उसके यहाँ का घर का बच्चा है, तो इसीलिए मंगवा लिए हम भाई, निकालते हैं इसको। तो ये देखिए भाई फीमेल, ये देखिए आप अकेले है भाई, तो एक यहाँ से शॉक करा सकते हैं, तो जैसे भी हो देख सक देख लीजिए आप लोग, फीमेल तो अच्छी लग रही है, पता नहीं उसके बाद में पता चलेगा जब उड़ेगा बैठेगा उसके बाद ही ये कैसी फीमेल है। कलर में भी बहुत ही अच्छी है, वैसे कलर का क्या, हमको बस गिरबाज चाहिए था पल्टी में, ठीक है। तो वो हो गया, देख सकते हैं, रुक जाओ भाई सिर एक जगह रख ले, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। चलो यार कबूतर ठीक है भाई, इसको छोड़ते हैं, पहले सारे कबूतर को निकलने देते हैं, इसको ऊपर रखते हैं। ये देखिए ये कबूतरी है भाई, इसको पोछ करके कबूतर से अपना निकालते हैं। आ देखते हैं ये भी उतरती है कि नहीं। आ आ आ आ आ आ आ आ आ, तो भाई सब निकल रहा धीरे धीरे। आ आ आ, ये तो यार उड़ निकलते ही भागेगा ऊपर। आ आ आ,
ये व्हाइट वाला बच्चा कहीं पंख खोल देंगे बहुत ही जल्दी। छोटा है भाई इसीलिए नहीं खोल रहे हैं कि अगर उड़ेगा तो फिर इधर से उधर भटक जाएगा। फिर भी गिरवाज उड़ गया। तो भाई इसी मेल के लिए लाए हैं हम फीमेल, देखते हैं इसके साथ लगता है कि नहीं लगता है। और उसके बाद इस रेड को लगाना है हमको इसके साथ में। ये देखिए ललकू के बाप को कैसे कर रहा है उसके साथ जाने के लिए। तो भाई यहाँ एक कबूतर उड़ रहा है जिसके साथ मेरा कबूतर मेल लग चुका है। अब देखते हैं कहीं आ जाए। वहाँ देखिए उधर उड़ रहा है। चलो हमारा कबूतर वापस आ गया, वो कबूतर उधर ही चला गया। तो भाई सब निकल तो नहीं रहा, दाना देंगे तो सब निकलेगा। और दाना में भी मिक्स फीड लेके आए हैं हम भाई इस बार, तो मिक्स फीड ही देते हैं। देखते हैं इस लोग का। ये देखिए एक और गिरवाज उड़ा हमारा। और ये उड़ा तो भाई ये जल्दी बैठेगा नहीं, रुकेगा ही नहीं, उड़ता ही रहेगा। तो यार इसको हम नीचे उतार देते, हाइट पे रहेगा फिर इधर से उधर ही परेशान करेगा। ये देखिए उड़ रहा है उधर। इसको उतार देते हैं नीचे, उतर गया। कला भाई बहुत ही अजीब है इसका, भगवान जाने कैसा होता है इसका, देखो। भाई कितना भी धूप रहे कितना भी कुछ रहे, लेकिन ये हमारा गिरवाज जो उड़ेगा तो 8 से 10 चक्कर जब तक नहीं मारेगा तब तक बैठेगा नहीं, ठीक है। बहुत इससे भी तगड़ा तगड़ा धूप रहता है लेकिन उड़ता ही रहता है। अगर इसके साथ अच्छा कबूतर मिल जाए तो ये दिन भर उड़ने वाला कबूतर है। इस चीज़ का गारंटी लेके हम भाई खरीदे थे कबूतर सबको, तो ये दिन भर उड़ेगा ऐसा ऐसा कबूतर सब है। लेकिन अभी धूप तो कम है और अकेले ज़्यादा देर ये नहीं उड़ पाता, मतलब इसको मन नहीं लगता है भाई इसीलिए। लेकिन जब से अभी निकला है तब से ये 8-10 राउंड तो इसका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी उड़ ही रहा है। तो बहुत ही अच्छा भाई, ये मेल है हमारे पास में और एक और मेल है तो वो तो इस पर बैठा हुआ है अभी। और ये मेल भाई उड़ेगा तो जल्दी बैठता ही नहीं रहता है, तो कैसे कैसे करके बिठाते हैं इसको, बैठने की कोशिश करेगा लेकिन बैठता नहीं रहता है। तो चलो भाई फाइनली अभी आके बैठ गया। अब दाना देते हैं भाई, नया वाला कबूतर अंदर चला गया केज के। देखते हैं इसके साथ में लगा के मेल के साथ में। पर्पन को फिर साइड करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये तो अंडा दे दी थी नीचे में, इसीलिए हम इसको ऊपर लेके आ गए थे। तो चलो इसको हटा देंगे तो फिर से शायद कहीं मेल हो जाए अलग। तो अभी दाना पानी देते हैं, उसके बाद फिर इस मेल को फीमेल को पर्पन को नीचे लेके चलते हैं और उसके बाद नया सेटअप फिर से डालते हैं। रुको। तो भाई देख सकते हैं इसमें 1 kg वो मिक्स वाला दाल हम लाए थे रात को खरीद के, दाल इसमें भरा हुआ है पूरा 1 kg के आसपास, सॉरी 1 kg के आसपास के 100% 1 kg है। ये देखिए इसमें सारा कुछ मिक्स है, बहुत कुछ है इसमें मिक्स, ठीक है। तो ये और इसमें अभी आसपास में 3-4 kg गेहूँ बचा हुआ है, 5 kg गेहूँ इस बोरे में है और बाकी कुछ गेहूँ इधर है। तो अब भाई गेहूँ नहीं हमारे पास में, सारे साइड में गेहूँ भरा पड़ा है। तो अभी इसको मिलाते हैं हम इसमें दाल को, 1/2 kg प्लस इसमें डाल देते हैं, उसके बाद जो बचेगा वो इसके लिए रखेंगे। इस बार का गेहूँ भाई बहुत ही ख़राब दिया था, मतलब बहुत ही ये सब था, डंठल वगैरह सब इस बहुत ही था, देख सकते हैं आप लोग ये सब। इस बार का गेहूँ खुले नहीं है अभी तक, देखेंगे कैसा गेहूँ है। रुको यार। तो भाई ये इस बार का गेहूँ है, अच्छा है, इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है लकड़ी वगैरह, तो इसमें तो बहुत ही कुछ था, देख सकते हैं आप लोग। ये इस बार का गेहूँ, इसको रखते हैं अभी साइड में और इसमें मिला देते हैं भाई, 2 ग्लास मिला देंगे सारा कबूतर के लिए, इनफ हो जाएगा। 2 से 3 ग्लास डाल देते हैं भाई, खाएगा सब मज़े से। अब और भी बहुत कुछ डालना था बट अभी नहीं डाले, अब इसको मिक्स कर देते हैं क्योंकि भाई छोटा छोटा बच्चा सब है तो, और गर्मी का भी समय है तो थोड़ा अच्छा खाना रहेगा तो ठीक रहेगा। हो गया मिक्स, थोड़ा धूल धूल यहाँ रखे हैं पानी इस लोग को नहाने के लिए। तो पहले दाना दे देते हैं उसके बाद पानी दे देते हैं, तो उसका सबका सारा कबूतर हमारा खा पी के एकदम रेडी हो जाएगा। तो अभी वो फीमेल हम देखते हैं जोड़ा लगा कैसा लगता है नहीं लगता है, फिर आप लोग को बताएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके बाद वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि भाई अभी बहुत सारा काम है, सब का सफाई भी करना है। तो जल्दी से जल्दी इस लोग को खिला देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है, बिल्कुल भी धूप निकल जाएगा तो फिर दिक्कत होगा और हमेशा काम शूट नहीं कर पाते हैं भाई अकेले की वजह से। तो अभी चलते हैं ये पानी लेके डाल देते हैं, फिर भी हम देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। तो भाई देख सकते हैं नया वाला जो फीड है और नया वाला जो फीमेल आई है वो भी खा रही है उस साइड में, और बाकी का कबूतर सब एकदम मज़े से खा रहा है। अब ऐसा ना हो कि गेहूँ छोड़ दे बाकी का ही सब कुछ खाए। ये देखिए गेहूँ छोड़ के क्या खा रही है, सिर्फ दाल खा रही है। और ये पट्टा हमारा इसी का बच्चा है भाई, ये फीमेल है और ये इसी का बच्चा है। तो कलर देख सकते हैं आप कितना डिफरेंट है और मार्किंग भी देख सकते हैं, फीमेल का मार्किंग देखिए, इसका मार्किंग देखिए, तो बहुत ही अलग है भाई। और ये रेड मेल, ये हमारा पाउडर का एक बच्चा हुआ है जो कि सेम पाउडर की तरह ही है, मतलब पाउडर ओरिजिनल नहीं है भाई, क्रॉस ब्रीड है। बाकी ये सब खा रहा है एकदम दंदना के। एक और बच्चा हमारा बाहर आते हुए वहाँ देख सकते हैं।
तो पानी भाई अभी नहीं दिए हैं, पानी अगर अभी देंगे तो सब नहाने के चक्कर में बिजी हो जाएगा और पानी भी नहीं, मतलब दाना भी नहीं खा पाएगा इसीलिए। तो पहले दाना खाने देते हैं, सब दाल ही खा रहा है, दाल सरसों इसमें सारा कुछ मिक्स है। ये हमारा लोटा किंग, ये देखिए एक ये भी गिरवाज मेल फूट है, किसी भाइयों को चाहिए तो बता सकते हैं, ये गिरवाज मेल मिल जाएगा, देख सकते हैं कितना एकदम एक्टिव है भाई। तो मेरे पास में कोई भी कबूतर ऐसा नहीं है जो कुछ प्रॉब्लम वगैरह वाला हो, सारा एकदम फुल एक्टिव एकदम दंदना के। ये देखिए पार्ले जी को हमारे कितना स्मार्ट लग रहा है, तो सारा कबूतर भाई एकदम एक्टिव होकर खा पी रहा है। एक हमारे गिरवाज ऊपर में ये जो उतरा था, वो जल्दी उतरता ही नहीं है, पागल है वो। तो चलो भाई आप लोग बताना कबूतर सब कैसा लगा आप लोग को, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये कहीं उसी के साथ सेट ना हो जाए भाई, देखो नया नया फीमेल को लाइन मार रहा है, लेकिन लगाना तो नहीं है भाई उसके साथ में, लगाना तो है हमको, हमको कहा कि हमारा मेल उसके साथ में लगाना है। तो कर लो भाई तू मज़े कर लो थोड़ी देर, ठीक है भाई। तो हम मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय। अभी इस लोग को दाना पानी दे देंगे, आराम से थोड़ा देर बैठेंगे, खिलाएंगे इस लोग को, पिलाएंगे, पानी दे देंगे, उसके बाद हम निकलेंगे, ठीक है। तो इस लोग को खाना खाने देते हैं चैन से, बाय बाय।